महापौर श्रीमती सुयुक्ता भाटिया जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के शिल्पी अटल स्वास्थ्य मेला के संयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के गौरव भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से स्वर्गीय अटल जी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने विगत 3 वर्ष से स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों को यहां पर लखनऊ वासियों के लिए आरोग्यता की संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अटल स्वास्थ्य मेले के आयोजन को यहां पर प्रारंभ किया। और जो मुझे बताया गया कि पहले स्वास्थ्य मेले में 7,500 से अधिक लोगों ने लाभ लिया, दूसरे आरोग्य मेला में 10,500 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया और कल और आज में भी हजारों लोगों ने इस आरोग्य मेले के लाभ लेने के साथ साथ केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न उन योजनाओं से जुड़ करके जिनसे वे अब तक वंचित थे उनसे लाभान्वित हुए हैं। यहां पर आने के पहले नीचे मंच के नीचे मुझे दिव्यांग जनों के साथ संवाद करने और उन्हें दिव्यांग जन कृत्रिम अंग उपकरण वितरित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हेयर एड, ये सभी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ये सहायक उपकरण है, किसी भी दिव्यांग के साथ जब ये सहायक उपकरण जब उसके पास होते हैं तो वह अपने को पूर्णांगता का अनुभव करते हुए एक सामान्य दिनचर्या की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप आज देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब देश पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र और विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने में 75 वर्ष पहले जिस ब्रिटेन से हमने आजादी प्राप्त की थी, 75 वर्ष आते आते आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यो बहनों, आगामी कुछ दिनों में लखनऊ में कुछ बड़े आयोजन होने हैं और बड़े आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ने की एक मानसिकता प्रदेश लखनऊ वासी को और प्रदेशवासी को तैयार करनी होगी। सबसे पहला कार्यक्रम यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होने जा रहा है फरवरी 2023 में, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ वासियों को देश और दुनिया से आने वाले 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशकों के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का निवेश लखनऊ और प्रदेश के अंदर आएगा और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की नई सुविधाएं वहां से निकलेंगी, इस विश्वास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर लखनऊ को प्राप्त होगा। साथ ही साथ दुनिया के 20 विकसित देश जो G20 के रूप में विख्यात है, ये वे 20 देश हैं जिनमें दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 85% GDP पर जिसका एकाधिकार है, जिन देशों के पास दुनिया के अंदर होने वाले 90% पेटेंट का अधिकार है, उन 20 देशों के
नेतृत्व का अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। पहली बार आजादी के बाद हो रहा है और G20 के भी कुछ आयोजन लखनऊ में होने हैं। लखनऊ के इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ना प्रत्येक लखनऊ वासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इससे लखनऊ वासी उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि लखनऊ से सदैव अटल जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। 5 बार देश की संसद में सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया था। जनप्रतिनिधि लखनऊ के नेतृत्व यहां पर एक प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ का, लेकिन नेतृत्व पूरे देश को अटल जी ने लखनऊ के माध्यम से दिया। ये लखनऊ के लिए गौरव की बात है और लखनऊ की इस विरासत को आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी पूरे देश के अंदर भारत को सुरक्षा का बेहतर माहौल देकर के अटल जी की इस विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज डबल इंजन की सरकार ने अनेक मानक गढ़े हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।